ये है डीजल इंजन 9 HP का, यह है देखते हैं इसका क्या है, अभी स्टार्ट करके देखेंगे, अभी पूरा सिस्टम बताएंगे। यह है गियर, तीन गियर के हैं, दो नीडल है और यह एक गियर आ गया, ठीक है। ये इसका क्लच, इसमें दो गियर है, जैसे टायर का है किसका है। ये तो बहुत अच्छी है, ये ब्लेड आता है ऐसे का, और देखेंगे और क्या क्या फंक्शन है आप सभी तुम सभी को दिखाएंगे, ठीक है। और भी रिटेन क्लच है, और ये रेड वाला दिखता है ना, एक क्लच है जैसे दो है ना, और दोनों का क्लच है, हैंडल एडजस्ट करने का है, समझ गए। और बहुत ऐसे फंक्शन है इसमें, अभी और दिखाएंगे अभी, ठीक है। और बहुत अच्छी हो रही है अभी, धीरे धीरे सब भी होता है। वो स्टार्टिंग करने के स्टार्ट हो गई, अब क्लच है वो स्टार्टिंग के लिए, वो रेड वाला पकड़ के रखना है, नहीं तो ऑफ हो जाता है, ठीक है। वो दोनों पकड़ के चलेंगे, लॉक है हमारे पे, इंजन स्टार्ट हो चुकी है के स्टार्ट, ऑफ हो गया, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब स्टार्ट हो चुकी है, देख ले हिल रही है उसका सभी, वाइब्रेट ज़्यादा करता है बस, क्या भी नहीं। कलच छोड़ा तो गियर डाल दिया, ब्लेड फिरता, देख घूम रहा है पूरा ब्लेड, इतना स्पीड जाता है भी, कुछ एक्सीलेटर वाले लिए तो और जाता है, लेकिन ट्रायल दिखा रहा हूँ बस डेमो के लिए, और टायर के लिए दिखाता हूँ आप। हो गया टायर, चलता है, देख चलता है ना, अब ऐसे तो बहुत है, ऐसे ऐसे वीडियो को लाते रहेंगे, ठीक है। देखो इतना स्पीड जाता है, ठीक है, बस इसी तरह वीडियो देखते रहेंगे, और आगे पीछे रिटेन का सब भी दिया है, इसमें फंक्शन अच्छा है, ठीक है। एक टायर का इसे रहते हैं टायर, अब इसमें दिखना है, सो छोड़ा तो ऑफ होता है, ऑन होता है, इसके लिए हमें पकड़ के रखना है वो, ठीक है, क्योंकि